So in this class, I will be discussing ellipse. So they are saying it is the locus of the moving point such that the sum of its distances from two fixed points is always constant. पहला जुमला पढ़ लो, क्या कह रहे हैं? It is the locus of the moving point such that the sum of its distances from two fixed points always remains constant. अब ये क्या कहना चाहते हैं? देखें जी, ये हमारे पास एलिप्स है, ठीक है जी जनाब, ये हमारे पास दो पॉइंट्स हैं। वो ये कहते हैं कि जब मैं इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालूं बाउंड्री से और फिर बाउंड्री से दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस निकालूं, तो जनाब अगर मेरे पास ये वाला पॉइंट जो है वो एफ वन है, ये वाला पॉइंट जो है वो एफ टू है, और पी जो है वो बाउंड्री है, तो जनाब पी से एफ वन तक का डिस्टेंस प्लस पी से एफ टू तक का जो डिस्टेंस है ये टू ए के बराबर है, जिसको हम कहते हैं कि भाई क्या है, कॉन्स्टेंट है। साथ साथ नोट करना चाहे तो कर लीजिएगा। तो अब फॉर सपोज मैं पी पॉइंट बाउंड्री पे कहीं भी ले जाऊं ना, तो डेफिनेशन ये कहती है कि इनका जो सम है वो कांस्टेंट रहेगा। पी पॉइंट कहीं भी उठा के ले जाओ, तो ये जो डिस्टेंस है ये कांस्टेंट है, ठीक है जी। तो टू ए जो है वो बेसिकली क्या होती है, टू ए होता है जनाब लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, और टू बी क्या होता है, टू बी होता है जनाब लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। देखिए एलिप्स के ना दो एक्सिस है, अगर आप गौर से देखें, एक ये एक्सिस है एक ये एक्सिस है, जो लॉन्गर है ना वो टू है, जो शॉर्टर है वो टू बी है। जहां से एलिप्स गुजर रहा है वहां की बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब टू ए जो है वो कहां तक होगा, टू ए होगा यहां तक, और टू बी होगा यहां तक। बात समझ में आती है कि टू ए क्या है और टू बी क्या है, क्लियर है यहां तक? सबको क्लियर है जनाब यहां तक? नोट करें यहां तक। तो हमारे पास जो P2F है वो छोटा होता है और P2D जो है वो बड़ा होता है, इसीलिए ऑब्वियस सी बात है जो रेशियो आएगा ये हमेशा वन से छोटा आएगा, तो इसेंट्रिसिटी इसकी वन से छोटी होती है। जबकि अगर हम बात करें पैराबोला की, तो आपको याद है पी टू एफ बराबर था पी टू डी के, देयरफॉर इसकी जो एसेंट्रिसिटी है वो क्या होगी, वन होगी। ये बात समझ में आ गई सबको कि वो वन से छोटी क्यों है और ये वन क्यों है? तो ई लेस देन वन का क्या मतलब है, क्लोज्ड कर्व होगा, और ई जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू वन होगा, तो इसका मतलब है क्या है कि ओपन कर्व होगा।
सर पी को मार्क कर दें, पी एनी पॉइंट है बेटा, एनी पॉइंट, ये रहा पी, ये रहा पी। हमसे क्या रिपीट करना है बेटा? कि बेटा पी टू एफ डिस्टेंस छोटा है ना, ओपन कर्व का मतलब पैराबोला ओपन कर्व होता है ना, पैराबोला बेटा ओपन कर्व है ना। तो अभी बताया ना मैंने कि पी टू एफ और पी टू डी बराबर है, इसलिए सेंट्रिसिटी वन है, इसेंट्रिसिटी रेशियो होता है पी टू एफ का और पी टू डी का। सर आप माइक थोड़ा करीब कर रहे हैं, माइक क्या मुंह में रख लूं? एग्जामिनर कहेगा कि ई इक्वल्स टू एक्स, आप बताएं पैराबोला या एलिप्स। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, और क्या सवाल है बेटा पूछे, कोई मसला नहीं है। आई एम नॉट मूविंग फॉरवर्ड, आई एम वेटिंग फॉर एनी ऑफ द क्वेश्चंस। रमशा क्लियर है बेटा? इज एवरीथिंग क्लियर? कल की क्लास में लिखी रमशा? मेरे भाई ये है पैराबोला, ये है ओपन कर्व, मेरे भाई ये है एलिप्स, ये है क्लोज्ड कर्व। समझ आ गई बात? और क्या पूछना है पूछना? यार बुरा नहीं माना, असल में माइक ऑलरेडी बहुत करीब है मुंह के यार। कोई और मसला तो पूछें भाई। सर इट इज काइंड ऑफ मिड ऑफ टू पैराबोलास। यार तुम कह लो, खुश हो जाओ। ई क्या है? मोहम्मद शुएब सोते सोते आए। बेटा ई इज द रेशियो ऑफ पी टू एफ एंड पी टू डी। पी इज एनी पॉइंट ऑन द कर्व, पी से फोकस तक का डिस्टेंस दैट इज पी टू एफ, P से डायरेक्ट्रिक्स तक का डिस्टेंस दैट इज P टू D, P से F तक का डिस्टेंस, P से D तक का डिस्टेंस, अगर मैं इनको डिवाइड करूं तो ये इसेंट्रिसिटी कहलाती है। इट इज नोन एज इसेंट्रिसिटी। E इज इक्वल्स टू इसेंट्रिसिटी। ओके आई एम सॉरी श्वेत। तो इसेंट्रिसिटी इज बेसिकली लेस देन 1 फॉर एलिप्स बिकॉज फोकस इज नियरर टू द पॉइंट ऑन द कर्व इन केस ऑफ एलिप्स। Focus is equidistant as the distance from point to directrix in case of parabola. Therefore, eccentricity is equals to 1. While for hyperbola, focus is far and directrix is nearer. Therefore, eccentricity is greater than 1. Okay? Everything is clear.
अहमद बिलाल सिद्दीकी पूछ रहे हैं छुट्टी कब होगी। छुट्टी होगी बेटा 6 बजे इंशाल्लाह। सबको क्लियर है बेटा? और कोई चीज कंफ्यूजन है पूछ ले, कोई मसला नहीं है। मैं दोबारा बता दूं, पॉइंट क्लियर है ऑन द बाउंड्री, इसेंट्रिसिटी क्लियर है, ए क्लियर है, बी क्लियर है, सी क्लियर है, डी1 डी2 क्लियर है, सबको क्लियर है, F1 F2 क्लियर है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस क्लियर है, डिस्टेंस बिटवीन फोसाई क्लियर है। आई एम आस्किंग सबको क्लियर है? Should I move on? Should I move on? ये नोट कर लिया है? नोट नहीं किया तो स्क्रीनशॉट ले लो। जनाब ये डायग्राम मैंने बनाई है जिसके अंदर सारे के सारे डिस्टेंसेस मैंने आपको क्लियर बताए हैं। क्या ये डिस्टेंसेस क्लियर है? सर इक्वेशन ऑफ D1 इज ए अपॉन ई, यस। नहीं आया समझ में अहमद सुहेल, क्या पूछना है पूछिए। देखो बेटा यार उसकी लंबी डेरिवेशन है वो नहीं करवा रहा मैं। ई बता देता हूँ दोबारा से, ई क्या है यार? यहाँ पर जो है वो फोकस है और ये जो है वो डायरेक्ट्रिक्स है। अब आप एनी पॉइंट ऑन द कर्व लें, फॉर सपोज मैंने यहाँ ले लिया, अब आप क्या करें इसका डिस्टेंस निकालें। लाइन सेंड, ये फोकस से और ये डिस्टेंस निकालें। तो जनाब ये था हमारे पास एफ पॉइंट, ये था पी, ये था डी। तो मैंने बताया इसेंट्रिसिटी होता है P से F और P से D का रेशियो। हाँ आ रहा हूँ, सारी स्लाइड दिखा रहा हूँ। सही है भाई, यहाँ तक बात समझ में आ गई थी। 2A अपॉन E फिक्स डिस्टेंस है, बुक के अंदर भी इसके बारे में कोई थ्योरी नहीं दी गई। एंगल 90 डिग्री होता है, हाँ हमेशा एंगल 90 डिग्री होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिया जाएगा। सो सर तो E ऑफ पैराबोला 1 होगा? हाँ बेटा ये डिस्कस हो चुका है ऑलरेडी अभी यहाँ पर। अहमद सोहेल 2A अपॉन E के बारे में बुक में कोई थ्योरी नहीं दी गई, ये बात क्लियर है? और कोई चीज बेटा? यहाँ तक की सारी क्लियर है? फिर वरना पिछली स्लाइड पे जाऊंगा। इस वाली स्लाइड में कुछ पूछना है?
यहाँ पर हमने सब बताया कि डिस्टेंस बिटवीन वर्टिसेस क्या है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या है, डिस्टेंस बिटवीन फोसाई क्या है, डिस्टेंस बिटवीन वर्टिसेस डायरेक्ट्रिसेस क्या है, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड वर्टेक्स क्या है, वर्टिसेस एंड पॉइंट्स ऑफ मेजर एक्सिस कहते हैं ए बी से बड़ा है, ए सी से बड़ा है, ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ए बराबर सी अपॉन ए के, और वी कैन से 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के बराबर। माना एक और आइडेंटिटी होती है कि ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है बी स्क्वायर के। एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ? अली असगर बेटा, ई ऑफ पैराबोला अपॉन होता है, ये बात समझ में आ रही है? अली असगर अच्छा जी, और कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास? क्या पॉइंट्स हैं कि फोकस इज नियरर टू एलिप्स, डायरेक्ट्रिक्स सिस आर फार फ्रॉम एलिप्स एज कंपेयर्ड टू फोसाई। यहाँ तक बातें क्लियर हैं जनाब? हमेशा फार होगा एलिप्स में। हाँ, तो डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिसेस एंड वर्टिसेस क्या होता है यार? वो तो डायग्राम से निकाल लेंगे ना साथ। यहाँ पर देखो, निकाल लो डिस्टेंस भाई, यहाँ से यहाँ तक जो है वो ए अपॉन ई है, और यहाँ से यहाँ तक जो है वो ए है। तो अगर तुम्हें ये डिस्टेंस निकालना है तो ये कितना आएगा? ए अपॉन ई माइनस ए। सही है। कोई मसला है यहाँ तक? सबको क्लियर है?
जन सबको सारी बातें क्लियर हो गई, आगे बढ़ जाऊं। कोई मसला है अभी पूछ लो, बाद में नहीं बोलना। सर एसएन बेकार पढ़ाते हैं, इलिप्स बेकार पढ़ाया, समझ में ही नहीं आया इलिप्स होता क्या है। अब्दुल असीब क्लियर है, अहमद बिलाल क्लियर है, अली असगर क्लियर है, तामियाल क्लियर है, इब्राहिम क्लियर है, मदीन क्लियर है, शुएब क्लियर है, रमशा क्लियर है, साथ जी क्लियर है, यूसुफ बेग साहब मेरे फ्रेंड क्लियर है। सर डायग्राम सब क्लियर हो जाता है, डायग्राम क्लियर हो गई तामियाल साहब? यूसुफ आज सोए नहीं तुम? तानियाल साहब क्लियर हो गया आपको? डायग्राम से ही क्लियर हो गया? 4 बज रहे हैं ना सर। अच्छा दोबारा सोने जा रहे हो क्या? अभी चलते हैं जनाब वीकेंड से के इसेंट्रिसिटी जो है वो बराबर होगा। जनाब हमें ये बात पता है कि फोकस होता है सी कॉमा जीरो, और हमें ये बात पता है कि ई बराबर है सी अपॉन ए के, देयरफॉर सी बराबर है ए ई के। तो हम फोकस को लिख सकते हैं ए ई कॉमा जीरो। फिर डायरेक्ट्रिक्स हमें पता है एक्स इक्वल्स टू ए अपॉन ई थी, हो जाएगा ई एक्स इक्वल्स टू ए, और वी कैन से कि ई एक्स माइनस ए इज इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। जनाब पी टू एफ तक का डिस्टेंस जो है हम निकाल लेते हैं। वाजह रहे कि पी एक्स कॉमा वाई जो है वो क्या है? लोकस है। किसका लोकस है? एलिप्स का लोकस। सो पी टू एफ तक का डिस्टेंस जो है वो निकलेगा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर, और पी टू डी निकलेगा ई एक्स माइनस ए डिवाइड बाय अंडर रूट ई स्क्वायर प्लस जीरो स्क्वायर। ये बात क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं तो बताएं। बेटा यहाँ तक सबको क्लियर है तो बता दें ताकि आगे बढ़ जाए। एक्स माइनस ए क्यों आएगा? ई एक्स माइनस ए क्यों आएगा? कहाँ की बात कर रहे हो नचोल? डिस्टेंस की बात कर रहे हो? डायरेक्ट अंडर रूट ई स्क्वायर प्लस जीरो क्यों नहीं किया? नचोल आज से 50 साल पहले तुमने जब पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस पढ़ा था, मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ वो क्या था। वो था ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसको हम लिखते हैं इक्वेशन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद आया बेटा, बचपन में पढ़ाया था ये फॉर्मूला मैंने। याद आ गया? नहीं आया? ठीक है। अब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये हो जाएगा ई इंटू ई एक्स माइनस ए अपॉन, और जनाब यहाँ पर हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो जनाब हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, और स्क्वायरिंग बोथ साइड से पहले ये ई और ये ई कैंसिल हो जाएगा, तो जनाब ये हो जाएगा ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस टू ए ई एक्स प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस
2AEX प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अरेंज कर लें। अरेंज करने से पहले ये कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा जनाब ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये आपको याद नहीं करना, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इक्वेशन ऑफ एलिप्स कहाँ से आएगी, और कुछ नहीं कह रहा। ये याद बात कुछ नहीं करना, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ जनाब। अभी मैंने आपको बताया था कि ए स्क्वायर इंटू वन माइनस बी स्क्वायर बराबर था बी स्क्वायर के, और यू कैन से कि वन माइनस बी स्क्वायर बराबर होगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो जनाब यहाँ आ जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अगर मैं पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूँ बी स्क्वायर से, सो आई विल गेट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। दैट इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। जी इक्वेशन सिर्फ याद करनी है आपको, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। Should I move on? Mata sabko clear hai, should I move on? Samajh mein aa raha hai bachcha, bachcho samajh mein aa raha hai, nahi aa raha to bata dijiye। Koi bhi baat nahi samajh mein aa rahi to bata dijiye। तो डेरिवेशन क्या करते हैं कि जरूरत नहीं है, ये डेरिवेशन याद करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट चीज है। आप क्या करेंगे, सिंपल सिंपल सिर्फ याद करेंगे इक्वेशन ऑफ एलिप्स का फॉर्मूला। सर थोड़ा जल्दी ऑन कर दिए, क्रिकेट खेलने जाना है। अल्लाह अल्लाह। आगे चल भाई, यार बता दो न्यूबी कैट वाले बच्चों, यार खामोश क्यों रहते हो यार, कम से कम इंटरेक्शन ही कर लिया करो टीचर से भाई।
समझ में आ गया या नहीं आया, क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। खामोश रहते हो यार तुम लोग। आवाज आ रही है मेरी? नहीं आ रही। आ रही है। अहमद सुहेल अहमद बिलाल तो ग्रेड वाले बच्चे हैं। न्यूटी ग्रेड वाले बच्चे बताए ना भाई, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? मरियम बेटा समझ में आ रहा है? रमशा क्लियर है बेटा? साद अली, यूसुफ बेग, शुएब साहब, इब्राहिम साहब क्लियर है? चले अल्लाह का शुक्र है, बता दिया करो यार, पूछ रहा हूँ फिर से। अच्छा जी, अब हमारे पास दोबारा से हम खूबसूरत सा एलिप्स बनाते हैं, और जैसा कि आपको पता है कि जनाब इनको हम कहते हैं एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम। ये लेटस रेक्टम है जनाब, दो लेटस रेक्टम होंगे क्योंकि दो फोकस हैं, और जनाब ये होती है एक्सिस के परपेंडिकुलर। जनाब ये अगर हमारा एक्सिस है तो ये इसके परपेंडिकुलर होती है। तो जनाब अगर मैं इन पॉइंट्स का नाम रखूं पी क्यू आर एस, तो मैंने यहाँ लिखा फॉर पी क्यू आर एस, कंसिडर किया हमने एलिप्स की इक्वेशन को एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, तो जनाब हमारे पास ये बात पता है हमें कि एट एंड्स ऑफ लेटरा रेक्टा, व्हाट इज लेटरा रेक्टा? लेटस रेक्टम की प्लूरल फॉर्म को लेटरा रेक्टा कहते हैं। तो जनाब हमें ये बात पता है कि एंड पॉइंट्स ऑफ लेटरा रेक्टा पे जो सी की वैल्यू है, सॉरी जो एक्स की वैल्यू है वो होगी या तो प्लस सी या तो माइनस सी, क्योंकि जनाब अगर ये सेंटर है तो ये डिस्टेंस जो है वो सी है, ये डिस्टेंस भी सी है, लेकिन हम माइनस सी कंसिडर करते हैं एक्सिस के लेफ्ट साइड से, ओरिजिन के लेफ्ट साइड। तो जनाब ये हो जाएगा सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, सही है? इसको हम अरेंज कर लें, उसके बाद हम लेते हैं एलसीएम। आपको ये बात पता है कि ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर जो है वो बी स्क्वायर के बराबर है, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। सर लेटरा रेक्टा कौन सी लाइन है? बेटा लेटस रेक्टम होती है, पैराबोला में पढ़ाया था, कल भी पढ़ाया था। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा बी फोर अपॉन ए स्क्वायर, और y बराबर हो जाएगा प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। बेटा लेटरा रेक्टा कहते हैं इस ब्लैक वाली लाइन को, ये जो है ये है लेटरा रेक्टा, ये एक्सिस के परपेंडिकुलर है और फोकस से पास करती है, नहीं फोकस से वो लाइन पास करे जो एक्सिस के परपेंडिकुलर, ठीक है? तो वाई की वैल्यू आ गई हमारे पास, तो बेटा हमारे पास पी पॉइंट आ गया सी कॉमा बी स्क्वायर अपॉन, हमारे पास क्यू पॉइंट आ गया सी कॉमा नहीं माइनस सी कॉमा बी स्क्वायर अपॉन, हमारे पास आर पॉइंट आ गया माइनस सी कॉमा माइनस बी स्क्वायर अपॉन, और हमारे पास एस पॉइंट आ गया सी कॉमा माइनस बी स्क्वायर अपॉन। तो अगर हम निकालें लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम तो जनाब ये बराबर होगी
पीएस के, और ये बराबर होगी क्यू आर के। और अगर ये आप लेंथ निकालें तो ये बराबर आएगी टू वी स्क्वायर अपॉन ए के। फिर हो गया जनाब सबको क्लियर है, कोई मसला है आता? एंड पॉइंट्स ऑफ लेटर्स रखते हैं, क्लियर है? तो सुनो पी क्यू आर एस क्या है, एंड से किसके लेटर रखते हैं? इसका पर्पस क्या है? कहाँ से लाते हो सवाल? टर्निंग पॉइंट नहीं है, टर्निंग पॉइंट लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स बोलते हैं, ये पूछेंगे आप सर। कान अदीम के साथ घूम घूम गए, कहाँ से कौन करना? Should I move on? जनाब अगर हम केस वन की बात करें तो केस वन की इक्वेशन जो है वो हमारे पास होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। इसकी डोमेन होती है जनाब माइनस ए से ए, और इसकी रेंज होती है जनाब माइनस बी से बी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू ए, माइनस बी लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू बी। हमारे पास जो केस टू होता है उसकी इक्वेशन होती है जनाब एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। उसकी डोमेन है उसकी रेंज जाती है माइनस बी से बी तक होता है, ये होता है माइनस बी लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू बी, और ये होता है जनाब माइनस ए से ए, माइनस ए लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू बी। अरे जनाब सबको क्लियर है? और जनाब अगर आपसे कोई एरिया ऑफ एलिप्स पूछ ले तो होता है वो पाई ए बी। ठीक है जनाब, सर आपने एक जगह बी लिख दिया है, कहाँ पर बेटा?
अच्छा वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, सही। सही है। अच्छा और याद रहे केस वन में ए जो है वो बी से बड़ा है। ये हमेशा बी से बड़ा होगा। केस वन होता है एक्स एक्सिस का और केस टू होता है वाई एक्सिस का। एरिया कैसे निकाला, फॉर्मूला है निकाला नहीं। अगर आप निकालना चाहें तो इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर लें, इधर लिमिट्स 0 से ए तक मल्टीप्लाई बाय 4 कर दें। ये हाँ बेटा इसलिए 4 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। ओके बात समझ में आ गई। सबको क्लियर है? शुड आई मूव ऑन? सर जो फंक्शन है हमारा, अगर हम उसे 0 टू ए इंटीग्रेट कर रहे हैं तो एक्सेस के नीचे और ऊपर एरिया सेम है तो कैंसिल आउट ही। यार आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे, एक मिनट दोबारा बोलो क्या कह रहे हो। बेटा दोबारा बोलो क्या कह रहे हो, आवाज नहीं। सर जो हमारा फंक्शन एफ है उसके जो एक्सेस एक्सेस के ऊपर और नीचे जो एरिया दोनों सेम है तो वो कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा? यार तुम्हारी आवाज क्यों नहीं आ रही मुझे, मेरी आवाज आ रही है? सर हमारा फंक्शन एफ जो है उसका एरिया अबव एंड बिलो एक्सिस सेम है तो कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा। यार एरिया निकाल रहे हैं तो एरिया तो कैंसिल आउट नहीं होता। वी आर फाइंडिंग आउट द एरिया नॉट इंटीग्रेटिंग इट। आवाज आ रही है मेरी?
साज अली आवाज आ रही है मेरी, क्लियर है? आगे चलते हैं। सो नाउ लुक एट दिस टेबल, और कोई बात आपको नहीं समझ में आ रही तो मुझसे पूछें। नोट करें इस टेबल को फटाफट। भाई ये क्वेश्चन सही दिए बिल्कुल, ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों करवा लिए हैं।
आगे चलते हैं जनाब, आपके सामने मौजूद है केस वन, देख चुके हैं आपके कैसा होता है केस वन। कोई सवाल केस वन में? स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज, बल्कि मैं शेयर भी कर देता हूं आप लोगों के साथ, मैं ग्रुप पर डाल देता हूं। मैंने ग्रुप पर शेयर कर दिया, सही है। आप चाहें तो इसको अपने मोबाइल पे या कंप्यूटर पे खोल के देख सकते हैं। केस वन में किसी को मसला है कोई? केस टू पे आ जाते हैं। केस टू में किसी को मसला? टॉपिक आज कंप्लीट नहीं होगा, ये थर्सडे को मैं इसकी इक्वेशंस वगैरह कराऊंगा, हाइपरबोला की थ्योरी कराऊंगा, थर्सडे को कंप्लीट होगा ये, सॉरी फ्राइडे को, सैटरडे को, सॉरी सॉरी सैटरडे को कंप्लीट होगा ये। किसी को केस टू में मसला? हेडिंग भी पढ़ते रहे साथ साथ, व्हेन मेजर एक्सिस इज अलोंग एक्स वाई एक्सिस एंड सेंटर इज एट 0 0, ये हेडिंग वाइज आपको केस का नाम याद होना चाहिए। सुन रहे हैं भाई सब? हाँ भाई सब बात सुन रहे हैं। केस टू की हेडिंग वाइज आपको नाम याद होना चाहिए, व्हेन मेजर एक्सिस इज अलोंग वाई एक्सिस एंड सेंटर इज एट 0 0। हाँ भाई रमशा, मरियम, इब्राहिम, दानियाल, साद, क्लियर है सबको? हेडिंग वाइज याद होना चाहिए आपको केस का नाम, केस का नंबर। यूसुफ साहब अभी केस थ्री पे आ जाइए, केस थ्री की डायग्राम देख लीजिए, किसी को अनक्लियर है तो पूछो। कोई भी बात अनक्लियर है तो पूछो। व्हेन मेजर एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस एंड सेंटर इज एट एच कॉमा के, मेजर एक्सिस होता है लंबा, माइनर एक्सिस होता है छोटा। जनाब अब आप देखिए केस फोर की डायग्राम, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछें। थ्री वाले में एक्स माइनस एच अपॉन ए था ना, देख लीजिए। सबको क्लियर है तो छुट्टी करें।